कर लेते हैं, मम्मी के फ्लोर में सो जाते हैं। यार ऐसी बातें मत करो यार, मेरा देख देख यार बाबू, यार आपका दिमाग खराब हो रहा है कि यार नीचे चल लो यार, फिर अगर ऐसी बात है तो चलो मेरा दिमाग बिल्कुल, चलो यार नीचे चलो ऊपर। नहीं मेरे को तो मेरे घर छोड़ाओ यार। अरे मैं रात को कहाँ जाऊंगी, अभी नीचे तो चलो खड़े हो जाओ जल्दी। आज रात निकाल लो बस, अभी रुक जाओ, मेरा दिमाग अभी काम। बट मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ आप लोग के घर पे यार, इतनी मैं कह रहा हूँ पायल की आवाज बहुत गंदी आ रही है। मेरा सारा खेल है इसका और साली साहिबा का हालत खराब करने का। अब ना बहुत प्रैंक हो लिए मैडम, अपना को समझती है फन्ने खा, आज ना वो फन्ने खा होने वाली है बढ़िया वाला, और सारा खेल साली साहिबा रखने वाली है। अब आप आवाज़ मार के बुलाओ और अपने चेहरे को डरा हुआ बनाओ और पांचों उंगली भूत की दिखाओ, चप्पल दिखाओ और हालत खराब करो। मैं लेट रहा हूँ यहाँ पे सो रहा हूँ, तो आज उसकी अच्छे से हालत खराब होने वाली बड़े लेवल पे, क्योंकि मैं तो बहुत सीरियस रहती हूँ ना, मुझ पे शक नहीं करेगी वो। तहलका तगड़ा है, वीडियो को स्किप मत करना, आपको आपके फूफा जी की कसम है। ठीक है सही है। A few moments later. दीप ऊपर आइयो जरा, आने वाली हूँ। ठीक है रेडी हो, बस घुंघरू बजा देना टाइम पे। क्या हुआ? यार दीप मेरे को जाना है, घर जाना है। कहाँ? मैं अभी सनी को भी बोल रही थी कि मेरे को घर जाना है, उनको क्या मना कर रहा। वो तो बोल रहे थे कि एक आध दिन बैठ जाओ दीदी, तो बट क्या हुआ? थोड़ा वीक फील कर रहे हैं ना अभी तो। घर क्यों जाना है? नहीं मेरे को ना कुछ पता नहीं यार, नहीं मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा, मेरे को घर जाना है। मतलब घर क्यों जाना? नहीं फिर भी वैसे क्या? 3 साल से तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पे कभी? प्रॉब्लम मतलब कैसे प्रॉब्लम? जैसे कभी कुछ नेगेटिव वाइब्स आती है ना, कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? कलेश होते हैं तभी आती है बस नेगेटिविटी। अरे नहीं यार वैसा वाला नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अरे यार अपना काम करो, अब बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार। अरे नहीं यार बस इसीलिए तो मैंने बोला था मेरे को घर जाना है, मेरे को नहीं अभी 2 दिन हो गए ऑलरेडी। देख अब सनी भी थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं अभी जान दे। नहीं ऐसा क्यों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ये सब आपके माइंड में आते हैं? ट्रस्ट ही नहीं करती तो फिर मैं बताऊँ कैसे तेरे को? आपको फील हुई है क्या? क्या नहीं, मेरे को 2 दिन से ना मतलब नींद भी नहीं आ रही अच्छे से। एक्टिविटीज थी होती यार तुम्हारे घर में, तेरे को फील नहीं हुआ कभी? क्या बोल रही है ये हैं? सुन रहे हो? सुन दे, मेडिसिन लिया शायद इसलिए। अरे इधर सुनो यार, क्या बोल रही है ये, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है घर में? एक बार जब मैंने आपको बोला था तब आप माने नहीं थे। मेरे को बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है। नेगेटिव क्या क्या फील किया आपने, कुछ गलत देखा? हाँ क्या देखा? आवाजें आती यार तुम्हारे घर से, तुमने कभी रियलाइज नहीं करी चीजों को? मैं 2 दिन से 7 बजे रूम में सो रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैंने तेरे को बोला नहीं, तेरे को ये ना लगे कि शायद दीदी बोल रही है कि घर वापस जाने के लिए, बट किस चीज आज की तो हद हो गई है। किस चीज की आवाज आई है यार? जब मैं आई थी, कोई लेडीज है बंदा है क्या है? ऐसे लेडीज बंदा को नहीं मैं बोल सकती, बट बहुत अजीब अजीब साउंड आए है, एकदम नेगेटिव वाइब्स आती है। अभी यही जब मैं आई तो एक लेडीज होती है कहते हैं किसी के घर में, किसी औरत वरत का होता है। तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे घर में कभी? हमारे घर में तो भाई कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तेरे को पता, तेरे को पता ही कहाँ होगा, 3 साल तो हुए तेरे को कभी बात करी है? बट अरे सुन लो बात यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा अब। नहीं वैसे तेरे को तो इन सब चीजों का ज्यादा फील होता है, तेरे को आज तक फील मेरे को क्या ज्यादा? मैं कोई जंतर मंतर की आत्मा हूँ क्या? मैं जंतर मंतर की आत्मा हूँ क्या? नहीं नहीं बट यार बचपन से देख, हम जब कभी भी ऐसी एक्टिविटी होती थी डर जाते थे। बट यार मैंने कभी ऐसी चीज सोची नहीं अपने मन में, पार्ट वार्ट करते। एक वो जो हमारा घर वहाँ वाला है पंजाब वाला, जैसे वहाँ पे फील आती है। अरे यार बस बस मेरी बात, बस बस बस। आई स्वेयर वैसी फील आई है दीप मेरे को, तेरे को डराने का बिल्कुल मकसद नहीं है, मेरे को इसलिए जान दे आज, मैं नहीं रह सकती। अरे क्या इधर खड़े होना एक बार, तबीयत ठीक नहीं मेरी, अरेस्ट कर रहा हूँ। अरे क्या बोल रही है, कह रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है घर में, ऐसे कई बार ब्लेका पड़ जाता है, ऐसे कई बार ब्लेका पड़ जाता है। नहीं नहीं प्ले नहीं ऐसे, मैं तो बहुत दिन पार्ट कर लेती हूँ, मेरे को तो कोई डर नहीं लगता इतना। डर मेरे को भी नहीं लगता ऐसा कुछ। देख अभी साउंड आया ना, ऐसे ही हल्के हल्के साउंड मेरे को रोज रात को, मतलब मैं परेशान हो रही हूँ यार, मैं सो नहीं पाई हूँ 2 दिन से। आवाज कैसी आई, मतलब
ऐसे ही छन छन की आवाज आती है कभी। ये देख देख आवाज आई तेरे को, सुना तूने? तू समझने की देख। अरे यार ऐसे दिमाग में मत बिठाया करो ये उल्टी पुल्टी बातें, बहुत दिमाग आपका खराब हो रखा है। नहीं नहीं, और दूसरे के मन में मैं कैसे रहूंगी यार, आप ऐसी बातें कर रहे हो यार। तो इसीलिए मैं बोल रही यार मेरे को जाने देना। अरे खड़े हो ना यार, क्या कर रहे हो? नहीं मैं नहीं रह सकती यार, और तुम लोग भी प्लीज थोड़ा सा देखो। अरे हवन होता है यार नीचे, कोई नीचे होता है ऊपर, ऊपर तो हवन। मेरे को यार मेरे को जो फील हुआ मैं तेरे को वो बता रही हूं। हवन की शुद्धियां भाई ऊपर तक आती यार मेरे दिमाग। अरे खड़े हो ना यार, ये क्या बोल रही है, आवाज आ रही है मेरे को तो नहीं आ रही। अब उनको रेस्ट कर रहे थे, मेरी बात सुन। कल मेरे बात सामने मकान बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुन, मकान रात के 12 बजे बनता है? कैसी बातें कर रही है यार। वॉशरूम में मेरे को ऐसे दिखा, ऐसे लगा कि जैसे वॉशरूम से कोई निकला है। आई यार मेरे को ऐसा लगा, मेरे को पानी पीना था रात को। पता नहीं तेरे को क्यों नहीं फील हुआ। मेरे को फील तो होता था, मैं तो उठती, मैं तो 4 बजे सोती थी, 5 बजे जब दिखता था दिन। मैंने इसीलिए कल रात को तुमने मेरे को बोला था ना दीदी आपने किचन की लाइट क्यों ऑन कर दी, इसीलिए करी। यार अब तो मेरे को फील हो रहा उल्टा पुल्टा। नहीं मैंने इसीलिए रात को किचन की लाइट ऑन करी है क्योंकि मैं वहां पे सोई थी, मेरे को ऐसा लगा कि वहां से एकदम से कोई चीज निकली है। मेरे को नहीं पता मेरे को आ रही है कि तुम लोग को भी आती है। मुझे भी थोड़ा सा तो फील हुआ। और ऊपर से इतने सारे जो तूने टॉयस लगा रखे हैं ना, वो ऐसे लगता है कि वो जो सामने जो डॉगी है उसकी ऐसे पता नहीं रिफ्लेक्शन आता है, क्या होता है ऐसे लगता है। यार दीदी आपको पता है मेरे को टॉयस का शौक है, मैं नहीं छोड़ती टॉयस। यार टॉयस मत छोड़, उसकी ऐसे लगती है आंखें चमक रही है, कभी नोटिस करियो। साउंड किस बात का है? देख हल्की हल्की साउंड आ रही है यार, ये मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया आपकी बात सुन के, इसलिए हो रहा है मेरे साथ बस ऐसे। वो पंजाब वाली हवेली में भी ऐसी आवाज आती थी, मैंने तब बोला था तेरे को, अभी मेरे को फील हो रहा है, मैं तब बता रही हूँ। हाँ तो इधर भी है, तेरे घर पे भी है, मत मान ये चीज ना यार दीदी, मत अपने मन में फालतू की चीजें मत सोचा करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर वाले का नाम जपो कुछ ऐसी। चल ठीक है, मैं ये तू ये बोलती है ना ये आवाजें ये सारी वो हो सकती है, बट तेरे घर से चीजें यहाँ से वहाँ मूव होती है। मूव होती है? हाँ जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैंने अपना टॉप वहाँ पे रखा था और वो मुझे अंदर से मिला था रूम में। तूने रखा था वहाँ पे? मैं अंदर रखा। अरे आप खड़े हो लो एक बार। अभी अभी मेरी स्लीपर्स मैंने अभी तेरे इसमें देखे हैं। किसमें? तेरे अलमीरा के अंदर। चप्पल? हाँ मेरे स्लीपर्स। मेरे को तो तेरे को इसलिए नहीं बता रही थी कि तू डर ना जाए, तू डरती है। आपका दिमाग खराब है? अरे क्या बात है, अरे इनकी बात सुन लो यार, ये चप्पल पे इग्नोर ने रख दी होगी, कैसी बात करते हो यार आप, मेरे अच्छा, मन में नेगेटिविटी भर रहे हो। अच्छा ये इग्नोर ने कर दिया? तो इग्नोर ने किया होगा, इग्नोर है ही नहीं यार। अरे ऊपर अभी आई थी यार, अजीब बातें करते हैं तो दिमाग। अच्छा ये इग्नोर नेगेटिविटी नहीं भरते यार। अरे इग्नोर ने कर दिया, इस बात को इतना दिमाग पे लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे मन में भी नेगेटिविटी मत भरो। मेरी बात सुन ली, मेरे को पता है तू इन चीजों से ज्यादा डरती है, मैं तेरे को बताना नहीं चाहती थी, बट रहना तेरे को है, थोड़ा सा अपने आप में इन चीजों को तू समझ जाए तो बेटर है। ये इग्नोर ने कर दिया है, मैं तेरे को बता नहीं रही थी, बट मैं ये तेरा वॉशरूम मैंने यूज किया, लाइट ऑन किया, अंदर गई वॉशरूम यूज करके बाहर आई, लाइट ऑफ करने लगी तो वहां पे देख मार्क्स है। अब वो तो इग्नोर ने नहीं करे होंगे ना, जाके देख क्या मार्क्स है, तो जाके देखा। वो तो इग्नोर ने नहीं करे ना। ब्लड है क्या है मेरे को ये नहीं पता, बस मैं जब वॉशरूम गई हूँ तब नहीं था, बाहर आई हूँ तब था, मेरे को बस इतना पता। ये हाथ बना हुआ है पूरा। अरे खड़े हो लो यार, एक बार खड़े हो लो, पहले खड़े हो लो जल्दी। मेरे को नहीं पता यार, मैं तो मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती यार। अरे आपने यार खुद मेरे को तो बोल दिया, मैं और नहीं रह सकती, एक बार खड़े हो लो यार। नहीं तुम लोग ये अपना कुछ हवन वगैरह कराओ अपने घर। अरे हवन डेली सैटरडे संडे होता है। खड़े हो लो एक बार, क्या बात कर रही है ये, वो देखो हाथ पर पूरा ब्लड ब्लड छपा हुआ है। नहीं मैं अब आपके घर पे अभी फिलहाल नहीं रह सकती, मेरे को बहुत नेगेटिव ब्लड छपा हुआ है, सुनना नहीं मैं आपकी बात। कह रही है मैं बाथरूम गई हूँ, कह रही है बाहर आई हूँ तो ब्लड के हाथ छपे पड़े हैं, यहाँ एक नूर ने कुछ नहीं किया, मेरी चप्पलें मेरे टॉप वॉप इधर उधर होते रहते हैं, चीजें यहाँ से वहाँ हो रही है, आवाजें आ रही हैं, कह रही बाथरूम में कोई निकला है, मेरे को शैडो फील हुआ है पूरा वॉशरूम से निकलते हुए। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, कब से तेरे को यही तो समझा रही हूँ यार, तेरे को पता है मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ, बट मैंने फील किया तो तेरे को बताया। नहीं कल रात को ही मेरे को पायलों की आवाज आ रही थी यहाँ से, मैं कह रही हूँ इसको यार, आप लोग आवाजें आ रही है, दिमाग
फट चुके हैं क्या कि दूसरे बंदे का जीना आराम करोगे क्या? मैं आप नहीं थे, मैं अकेली रही हूँ। अच्छा तू अकेली रही है, तेरे को कभी फील नहीं हुआ? सच्ची बताइयो कभी? अरे होता है मेरे को ऐसे, तो वही तो मैं बता रही हूँ। अरे ये निशान मेरे से नहीं देखे जा रहे, पापा को बोलना पड़ेगा। बहुत गंदी चीज है ये, तो बहुत मेरा दिमाग खराब कर रही है ये। बस यही सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत मेरे को बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, आप लोगों को थोड़ा देखना चाहिए। हवन होता है यार सैटरडे संडे हमेशा। अरे तो इस पे ध्यान देना है क्या, ये क्या किसके हाथ छपे हुए हैं? तेरा दितु हवन हवन सामान तो चलो तू बोल देगी, इग्नोर नहीं इधर से उधर किया, मैं मान भी जाऊंगी। थोड़ा सा भी फील किया आवाज का, कह रही है सुन ध्यान से, साउंड आते हैं धीरे धीरे। फाइलों की आवाज तो कल रात से आ रही है मेरे को। आप लोगों ने कभी रियलाइज नहीं करे, मैं दो दिन से सो नहीं पाई यार। वो पुराने घर में नहीं रहते थे हम किराए पे यार? ये रात के टाइम तुम ऐसी घटिया बातें किस लिए कर रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मेरे को जाना है, मेरे को नहीं रहना। अरे 11:30 बजे कहाँ जाओगे रात को, ये तो बताओ। नहीं, 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 मेरे को जाना है, मेरे को जाना प्लीज। यार मैं सीढ़ी में अकेले चढ़ के आई हूँ, तुम क्या पागल हो के? तो घर का पता नहीं है मेरे को, ऐसी बातें बोल रहे हो यार। चीजें देखी है मैंने, रियल फील करी है मैं, देखी नहीं? हाँ मैंने फील करी है, मैंने देखी है। देख आवाजें आ रही है तुम्हारे घर से यार, वो सामने दे रही है। मैं तेरे को बता नहीं रही थी कि तू डर जाएगी, बट वो देखते यार खून के हाथ छप रहे हैं घर में। खून नहीं है वो, कुछ और है, मतलब खून जैसा ही है लेकिन अब ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर काला जादू वाला जादू मेरे को तो ऐसे उल्टी पुल्टी बातें लग रही हैं ऐसे, पर मैं नहीं मानती भाई इन सब चीजों में। अरे पहले 5-6 महीने पहले बोलती थी हल्की सी आवाज आती मैंने। अरे यार मैं ऐसी पागल हूँ, वो तो ऐसे दिमाग में भूत बसा लोगे। नहीं यार ये आवाजें यार बहुत होती है। अरे नहीं दोबारा आवाज आई मेरे को पायल की। अरे दोबारा आवाज देख आवाजें आ रही है, सन्नी को भी फील हो रहा है, तेरे को भी फील हो रहा है। नीचे कर लेते हैं मम्मी के फ्लोर में सो जाते हैं, नीचे कर लेते हैं मम्मी के फ्लोर में सो जाते हैं। मेरे को तो मेरे घर छोड़ प्लीज, मैं नहीं। यार इस टाइम देखना मैं कहाँ छोड़ने जाऊंगी यार, मैं मुझे नहीं पता प्लीज मुझे घर जाना, मेरा अटैक पड़ने को हो रहा है। यार ऐसी बातें मत करो यार, मेरा देख 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 यार बाबू यार आपका दिमाग खराब हो रहा है क्या यार? नीचे चल लो यार फिर, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरा दिमाग चलो यार नीचे चलो ऊपर। नहीं मेरे को तो मेरे घर छोड़ा हो यार। अरे मैं रात को कहाँ जाऊंगी, अभी नीचे तो चलो खड़े हो जाओ जल्दी। आज रात निकाल लो बस, अभी रुक जाओ मेरा दिमाग अभी काम। बट मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ आप लोग के घर पे यार, इतनी मैं कह रहा हूँ पायल की आवाज बहुत गंदी आ रही है, बहुत ही गंदी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। अरे भगवान का नाम ले लो भाई, ले लो मेरे को आवाजें, तुम मेरे दिमाग में घुसा दिए तुमने आवाजों को। अरे आप नीचे चलो, आप खड़े हो लो नीचे चलो, नहीं मम्मी के फ्लोर में चलो, जल्दी चलो यार चलो। तो लेके आना एक बार इसको दिखाऊं पायल होती क्या। सारा इंतजाम कर रखा बेटा हमने, बहुत प्रैंक कर रही है ये प्रैंक के आदमी बीमार है, ये मार रही है मेरे में इनके प्रैंक मार रहा है। पहली बार आई थी तो ये कहां से मेरा चल मेरा मार कार्रवाई तगड़ी थी। अरे वाह बेटा, रात को तुम्हें ना डरा दिया मैंने, अफसोस। बोलना एक और साली साहब बहुत हरकतें करती है, इसकी हालत कैसी? कुछ नहीं हरकत, कुछ नहीं मेरे साथ, तुमने वैसी बात कर दी तब हुई है। वैसे भी बहुत डरती है और इतनी हरकतें करती है सबको पता है डरती, हां बहुत डरती है और इसीलिए उसका यही था जिसके लिए इसकी ना जैसी नोटिस किया होगा आपने जैसे पहली बार। अरे यार नीचे चलो यार, चलो मम्मी के पास चलो यार, 11:30 हो रहे हैं यहाँ नहीं सोएंगे यार, हवन होता हमारे घर में तो। डर भी रही है, आवाजें सुन भी रही है और इग्नोर कर रही है। दिलासा दे रही थी ना खुद को, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा लगाने की हिम्मत है, पानी पीने की तो हिम्मत नहीं है उठने की, इनकी सेवा ले रहे हैं इस बार भी कैमरा। वैसे तो सच बता तो सीरियस हो गई थी ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मजाक में सीरियसली। अरे इसकी हालत खराब हो रखी है, मैं आपको मान ही रही है। अरे इन्होंने बोला पंजाब वाली बात करी है आपने, तब दिमाग तो पंजाब में तो हमने जो इस बार जो कैमरा इनका सेट किया है ना कोने में खोपचे में, सारा काम आपकी बड़ी बहन ने किया और बहुत ट्रेंड हो गई है। और तुम आवाजें निकाल रहे हो, शर्म कर लो बेशर्म हो, वैसे बीमार हो रही है और ये देखना कितना घुटनों में चला गया। तो फिर हेल्थ का मचाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे आते रहेंगे।